हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि लॉकडाउन में भी आप अपनी बाइक्स और कार्स को कैसे मेंटेन कर सकते हो। एक्चुअली होता क्या है कि लॉकडाउन में हम लोग कहीं जाते आते तो है नहीं, तो हमारी बाइक्स को और कार्स को तो भाई मेंटेनेंस चाहिए ही होती है। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि आप इन्हें मेंटेन कैसे रख सकते हो। पहले तो नोटिस करो, मेरे घर पे भी हमारे घर पे 3 बाइक्स ओन होती हैं, स्प्लेंडर, मेस्ट्रो और अपाची 160 RTR। और तीनों गाड़ी की मेंटेनेंस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक्चुअली क्या होता है, बहुत से लोग कार ओन तो कर लेते हैं बट उनकी मेंटेनेंस नहीं देख पाते। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप पहले अपनी कार की मेंटेनेंस जरूर देखो। कोई फर्क नहीं पड़ता है आप लॉकडाउन में कहीं जाते हो या नहीं जाते हो, उससे एक भी कतई फर्क नहीं पड़ता है। बस आप अपनी गाड़ी को मेंटेनेंस रखें, मेंटेनेंस करने का पहला रास्ता देखते हैं। आप देख रहे हैं ये गाड़ी है, ये गाड़ी काफी गंदी हो चुकी क्योंकि ये लॉकडाउन में तो कहीं गई भी नहीं थी। तो ये बहुत ही ज्यादा गंदी है, तो पहले हम लोग इसकी क्लीनिंग करते हैं और क्लीनिंग के बाद फिर हम लोग इसके आगे रीजंस बताएंगे। क्योंकि तो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया कि गाड़ी को पहले क्लीन कर लो, हमने अपनी पूरी गाड़ी वॉश कर ली है, पूरी गाड़ी क्लीन कर ली है। अब क्लीनिंग के बाद का जो मैटर है मैं आप लोगों को वो समझाने जा रहा हूँ। क्लीनिंग के बाद देखो क्या होगा ना, कि अब आपकी गाड़ी के अंदर आपको कंफर्म हो गया कि अब कोई चूहा नहीं जाएगा, कोई कुछ नहीं होगा और जितने भी इसमें मकड़े वकड़े लगे होंगे वो सब साफ़ हो गए। ठीक, आप लोग खुद देख लो, पूरी गाड़ी मैंने साफ़ कर दी, मेरी गाड़ी ओल्ड है थोड़ी। और कहते हैं ना कि गाड़ी लेना बड़ी बात नहीं है, गाड़ी को मेंटेनेंस करना वो बड़ी बात हो जाती है। मेरे घर पे खुद 3-3 गाड़ी ओन्स होती हैं बट गाड़ी की मेंटेनेंस इज वेरी डिफिकल्ट एंड टफ। तो क्या है, अब स्विचेस देख लो, स्विचेस अब जब वीडियो बनाने लगा तो एक से एक टोटल भी याद आने लगे। सेकेंड, आप हर स्विच को चला के देख लो कि प्रॉपरली काम कर रहे हैं। जैसे कि मेरा अभी वाला बल्ब नहीं शायद काम कर रहा, और काम कर रहा है आप ध्यान से देखोगे तो छोटी छोटी लाइटें जल रही बट पूरी नहीं जल रही, और वो भी धीमे धीमे आ रही है। बाकी ये लाइट भी मेरी बेस्ट है, ये भी देख सकते हैं, अब आपको प्रॉपरली दिखेगा, ये धीमे धीमे आ रही है। और जैसे कि ये आ रही है, अब इसी के साथ आप लेफ्ट वाला भी देख लो, ये देखो ये पूरा जल रहा, ये भी पूरी जल रही। इसी तरीके से आप अपनी पूरी गाड़ी के बटन वटन हॉर्न वॉर्न चेक कर लो, आप चोक लीवर चेक कर लो, एक्सीलेटर चेक कर लो, एक्सीलेटर को भी आप थोड़ा बहुत पुश उश कर लो। इससे क्या होगा ना कि आपकी गाड़ी एक प्रिपर रेडी रहेगी, रेडी टू मूव रहेगी। आपको कभी भी निकलना होगा, कहीं भी निकलना हो आप तुरंत निकल सकते हो, तुरंत आपने गाड़ी उठाई चल दिया। और लास्ट जो है, गाड़ी को आप कभी भी एक जगह पे पार्क मत रहने दो, पार्क एक जगह पे रहने ही मत दो, वरना क्या होता है ना टायर हो जाते हैं, टायर एक जगह रखे रखे खराब हो जाते हैं। तो इसलिए आप एक जगह पे कभी भी अपनी कार को या बाइक को खड़ी मत करो। वीकली हर सेकेंड डे से थर्ड डेज में आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट जरूर करो, अपनी गाड़ी को आप स्टार्ट करो, फिर उसके बाद क्या करो कि आप लेके निकल जाओ कहीं भी। निकल तो पाओगे नहीं, अगर आप अपनी कॉलोनी में रहते तो आप एक अपनी छोटी सी कॉलोनी का राउंड मार लीजिए, अपने मोहल्ले में रहते हो आप मोहल्ले का भी एक छोटा सा राउंड मार लीजिए। इससे क्या होगा, आपके टायर भी थोड़े गर्म हो जाएंगे, वरना कार बहुत ज़्यादा ठंडे पड़ जाते हैं और एक जगह खड़े खड़े चिटक भी जाते हैं, प्रॉब्लम्स आ ही जाती। गाड़ी निकालने से पहले आप सीधे करिए, सीधी करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि गाड़ी को थोड़ी सी वार्म अप चाहिए होती है,
जैसे हमारी बॉडी को वार्म अप चाहिए होती, वैसे कार को और बाइक को, एक इंजन को भी वार्म अप चाहिए होती, और साथ ही में मोबियल जो है वो मोबियल भी सीधा रहता है, ऐसे एक तरफ का मोबियल होता है, फिर वो बीच में आता है, डबल स्टैंड पे आप गाड़ी खड़ी कर देते हो तो मोबियल भी बीच में आ जाता है। और उसी के साथ में आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, अपनी सर्विस बुक में आप देखिए उसमें लिखा होता है या तो इतने पे सर्विस और या तो इतने पे इतने मंथ पे सर्विस, या तो इतने किलोमीटर पे सर्विस करवा लो या तो इतने मंथ पे सर्विस करवा लो, क्योंकि मोबियल भी ख़राब होता है। और कभी भी एक और चीज़ है, आप कभी भी अपनी बाइक हो या कार हो फुल टैंक करके कभी भी मत पार करो, कभी भी नहीं, क्योंकि उससे एयर बन जाती तो भी आपको प्रॉब्लम होती। बाकी आप साफ आफ कर रखोगे तो आपकी गाड़ी को वायरिंग भी नहीं कटेगी और चूहे भी नहीं काटेंगे, और आपकी गाड़ी चीज भाई से बॉडी साफ करते हो गाड़ी भी साफ कर लो। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और देख लो मैंने इतनी साफ आफ कर ली, फर्स्ट सेल्फ में मेरी स्कूटी स्टार्ट होगी, फर्स्ट सेल्फ में। स्टार्ट होके बंद हो गई थी बट स्टार्ट हो गई।